जय श्री कृष्ण दोस्तों, लाइफ स्टाइल विद गॉड में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। आज हम 24वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। भगवान ने कहा कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल अग्नि में हवि का हवन करना ही यज्ञ है और उसके संपादन करने के लिए की जाने वाली क्रिया ही यज्ञ के लिए कर्म करना है, इतनी ही बात नहीं है। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जिसका जो कर्तव्य है वही उसके लिए यज्ञ है और उसका पालन करने के लिए आवश्यक क्रियाओं का निस्वार्थ बुद्धि से लोक संग्रहार्थ करना ही उस यज्ञ के लिए कर्म करना है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अब भगवान भिन्न भिन्न योगियों द्वारा किए जाने वाले परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का विभिन्न यज्ञों के नाम से वर्णन करते हैं। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माग्नो, ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। चौथे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। अब वो पहले समझते हैं कि इस श्लोक में यज्ञ के रूपक से क्या भाव दिखलाया गया है। इस श्लोक में सर्वत्र ब्रह्म दर्शन रूप साधक को यज्ञ का रूप दिया गया है। अभिप्राय यह है कि कर्ता, कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। इस यज्ञ में श्रुवा, हवि, हवन करने वाला और हवन रूप क्रियाएं आदि भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं होती। उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही होता है, क्योंकि ऐसा यज्ञ करने वाला योगी जिन मन बुद्धि आदि के द्वारा समस्त जगत को ब्रह्म समझने का अभ्यास करता है, वह उनको अपने को इस अभ्यास रूप क्रिया को या अन्य किसी भी वस्तु को ब्रह्म से भिन्न नहीं समझता, सबको ब्रह्म रूप ही देखता है, इसलिए उसकी उनमें किसी प्रकार की भी भेद बुद्धि नहीं रहती। अब समझते हैं कि ब्रह्म कर्म में स्थित होना क्या है और उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखलाया है। निरंतर सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि करते रहना, किसी को भी ब्रह्म से भिन्न नहीं समझना, यही ब्रह्म कर्म में स्थित होना है, तथा इस प्रकार के साधन का फल निस्संदेह पर ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होता है। उपयुक्त साधन करने वाला योगी दूसरे फल का भागी नहीं होता, यही भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है कि उसके द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। राधे राधे।